आतंकी निशाने पर होने के दावों को लेकर मंगलुरु मंदिर के अधिकारियों ने पुलिस से किया संपर्क। यूएपीए मामला दर्ज। एक अज्ञात संगठन द्वारा यह दावा किए जाने के बाद शिकायत दर्ज की गई थी कि मंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा में दुर्घटनावश हुए विस्फोट का संदिग्ध मंगलुरु शहर में कादरी मंदिर को निशाना बनाने के लिए एक आईईडी ले जा रहा था। आज श्रीरंगपटना तालुक के महादेवपुरा गांव में सैलून मालिकों ने भरोसा किया और अनुसूचित जाति समुदायों से संबंधित लोगों के लिए बाल कटाने पर सहमत हुए। अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के एक वर्ग ने हाल ही में इस संबंध में तहसीलदार और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों ने आज महादेवपुरा का दौरा किया और सालों से चली आ रही प्रथा को खत्म करते हुए सैलून मालिकों को महादेवपुरा के एससी समुदाय के लोगों की सेवा करने के लिए राजी करने में सफल रहे। मंगलुरु के बालमट्टा में शनिवार दोपहर एक खड़ी कार में आग लग गई। हादसे में कार का इंजन और बैटरी क्षतिग्रस्त हो गई। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा हुआ। सूत्रों के अनुसार आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। कार 7 साल पहले खरीदी गई थी। ट्रैफिक एसीपी गीता और अन्य अधिकारियों ने मौके का दौरा किया। कर्नाटक परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा एग्रीगेटर्स को अधिभार शुल्क बंद करने और उनके प्लेटफॉर्म शुल्क को 5% पर रखने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार जो ऑटो रिक्शा एकत्र करने वाले सभी व्यवसायों पर लागू होता है, कंपनी के कमीशन और माल और सेवा कर को छोड़कर यात्रियों से सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकता है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा है कि वे सिंडिकेट सदस्यों को LIC के अध्यक्ष के रूप में नामित न करें जो हितों के टकराव का हवाला देते हुए संबद्ध कॉलेजों का दौरा करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार LIC में सिंडिकेट सदस्य होने के खिलाफ विभिन्न हलकों से आरोपों और विरोध के बाद निर्णय लिया गया था। कर्नाटक ने 2 साल की परियोजना के लिए अमेरिका स्थित जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ साझेदारी की है, जिसमें मैरीलैंड मुख्यालय वाला प्रमुख संस्थान सरकार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक टिकाऊ स्वास्थ्य सेवा मॉडल बनाने की कोशिश करेगा। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग परियोजना की देखरेख कर रहा है, जिसे कर्नाटक स्वास्थ्य संवर्धन ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार UCC को लागू करने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुख्य घोषणा पत्र का हिस्सा था। विधायक PT परमेश्वर नाइक ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगी। विधायक द्वारा मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अपने कृत्य के परिणामों को भांपते हुए परमेश्वर ने बिना शर्त माफी मांगते हुए एक और वीडियो जारी किया। विधायक ने कहा, ईंधन की बढ़ती कीमतों और किसानों की परेशानियों से मुझे उकसाया गया था। मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगता हूं। हालांकि मैं डीजल, पेट्रोल और LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के केंद्र के फैसले की निंदा करता हूं।